नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भावात भावम सिद्धांत की, कि भावात भावम सिद्धांत क्या होता है। देखिए, जो भावात भावम सिद्धांत है फलित ज्योतिष में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जब भी हम फलित करें और इस भावात भावम सिद्धांत पे अगर हम ध्यान ना दें तो हम फलित करने में कुछ गलतियां चूक कर सकते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है और हमें इस सिद्धांत पर ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से भावात भावम सिद्धांत से संबंधित जानकारी को बहुत ही सरल रूप से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और जो भी हमारे ज्योतिष के प्रेमी हैं, ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें तथा इससे लाभ प्राप्त करें। अब बात करते हैं हम भावात भावम सिद्धांत की। देखिए कि जब भी ज्योतिष में आप कोई फल, अगर फल पे चर्चा करते हैं, कोई फलित करते हैं या किसी भी फल के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पहले तो उस भाव पर जाना होगा जो भाव उस फल को देगा। तो आपको जिस भी फल के लिए जानकारी चाहिए, आपको उस भाव पर जाना होगा, क्योंकि आप उस भाव पर जाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको वो फल कैसा मिलेगा। उस फल के लिए, उस विशेष फल के लिए जो आप जानना चाहते हैं, आपको लग्न कुंडली से उस भाव पर जाना होगा। अब यहां पे भावात भावम सिद्धांत क्या कहता है वो देखिए। अब भावात भावम सिद्धांत कहता है कि हमने एक परिभाषा लिखी हुई है, देखिए, भावात भावम सिद्धांत, जिस संख्या के भाव पर विचार करें उससे उतनी ही संख्या आगे वाले भाव से भी उसी फल का विचार कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी फल या किसी भी फल के बारे में जानकारी चाहते हैं, पहले तो आपको उस भाव पर जाना पड़ेगा। अब यहां पे लगाना पड़ेगा आगे भावात भावम का सिद्धांत, कि उतनी ही संख्या आगे वाला भाव भी आपको उस फल के बारे में जानकारी देगा। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे कहें कि आप मान लीजिए आप किसी जातक के सुख के बारे में, भौतिक सुख के बारे में, उसके घर के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आपको कहां जाना होगा? आपको जाना होगा चौथे भाव पर, लग्न कुंडली के लग्न से चौथे भाव पर आपको जाना होगा। क्यों? क्योंकि आपको सुख के बारे में जानकारी चाहिए। अब यहां पे जो भावात भावम सिद्धांत कहता है, उस संख्या से, कौन सी संख्या से, कि हम बात कर रहे हैं चौथे भाव की, कि चौथे अर्थात चौथी संख्या, कि चौथे भाव से उतनी ही संख्या, कि चार संख्या आगे वाला भाव भी उन्हीं सभी बातों को बताएगा, उन्हीं सभी बातों की जानकारी भी हम उससे उतनी ही संख्या वाले आगे वाले भाव से भी ले सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे चौथे भाव की, हम बात कर रहे थे सुख भाव की, तो अब चौथा संख्या कौन सी है? लगन से ये चौथा पड़ता है, तो अब चौथे से चौथा, मतलब जो चौथा नंबर है उससे उतनी ही संख्या, मतलब चार संख्या आगे वाला भाव भी वही चीज बताएगा। तो एक दो तीन चार, चौथे से चौथा कौन सा हो गया? सातवां भाव, कि सातवां भाव भी आपको उसी चीज के बारे में बताएगा। ये है भावात भावम का सिद्धांत, कि जिस संख्या वाले लगन से जिस संख्या वाले भाव पर आप विचार कर रहे हैं, तो उस संख्या से उतनी ही संख्या आगे वाला भाव भी आपको उसी फल के बारे में बताएगा। तो हमने यहां पे बताया कि अगर आप सुख के बारे में बात कर रहे हैं तो उससे उतनी ही संख्या अर्थात चौथे से चौथा भाव भी आपको उसी बारे में बताएगा। अब यहां पर देखिए, जो चौथा भाव है, थोड़ा बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं, चौथा भाव है, चौथे भाव से हम माता भी देखते हैं, मन भी देखते हैं, भौतिक सुख भी देखते हैं, घर का सुख भी देखते हैं, तो ये सुख भाव है।
अब हमें सुख के बारे में जानकारी चाहिए, तो हम चल रहे हैं चौथे से चौथे अर्थात सातवें पर। सातवां भाव होता है स्पाउस का भाव। अगर मान लीजिए ये एक पुरुष कुंडली है तो ये पत्नी भाव है, अगर ये स्त्री कुंडली है तो ये पति भाव है, तो उसका स्पाउस का भाव है। तो एक चीज बताइए, जब यहां से हम सुख देख रहे हैं, अगर उसका स्पाउस भी उसको सपोर्ट करेगा तो उस व्यक्ति को रियल में सुख प्राप्त होगा। तो इसी चीज से हम हर भाव जो भावात भावम का सिद्धांत पे, उसमें लॉजिक है, उसमें तर्क है, आप किसी भी भाव से आगे उस चीज को देख सकते हैं। अब यहां पे ये देखना है कि हमने ये तो देख लिया कि चौथे से चौथा, चौथा भाव जो था वो था मुख्य भाव, और जो सातवां भाव है एक तरीके से उसका वो सहायक भाव है, उसका पूरक भाव है। तो इसलिए कहा गया है कि किसी भी भाव की परछाई भावात भावम सिद्धांत है, या मतलब कि जो भावात भावम सिद्धांत है किसी भी भाव की परछाई कहलाता है। अर्थात हम बात कर रहे थे चौथे की सुख की, उसकी परछाई को, उसका पूरक कौन सा है? सातवां है। सातवां एक तरीके से आपको कंफर्मेशन दे रहा है सुख के बारे में। तो इस सिद्धांत को आप किसी भी भाव से लगा के देख सकते हैं। आगे हमने चार्ट बना रखा है, चार्ट भी आपको बताएंगे, पर आप यह देखिए कि सबसे पहले आपको देखना होगा मुख्य भाव, फिर उसका जो सहायक भाव है, क्योंकि कंफर्मेशन के लिए वहां से। अगर मान लीजिए जो हमारा मुख्य भाव, अगर यहां पर जैसे उदाहरण सुख का ही, चौथी का ही चल रहा है, अगर मुख्य भाव ही हमारा पीड़ित है और उसके बाद में उसका सहायक पूरक या भावात भावम वाला सिद्धांत जो भाव है वो भी पीड़ित है, तो सुख प्राप्त करने में समस्या है। उसके बाद अगर मान लीजिए ये दोनों भाव, मुख्य भाव भी अर्थात चौथा भाव भी और सातवां भाव भी अगर बली है, तो व्यक्ति को सुख प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं है, उसको हर प्रकार का जो भी हम विचार कर रहे हैं अच्छा फल मिलेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए एक भाव बली है और दूसरा पीड़ित है, तो वहां पे सुख तो प्राप्त हो रहा है परंतु समस्याओं के साथ हो रहा है। यहां पे हमें जो भी भावों के बल के बारे में ध्यान रखना है, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है, फिर फलित करना है, क्योंकि हमें सारे जो तथ्यों को कि कहां पे बल है, कहां पे पीड़ा है, कहां पे शुभ ग्रह बैठे हैं, कहां पे अशुभ ग्रह बैठे हुए, सारी चीजों को देखते हुए ही भाव के बल के बारे में बताना होगा। इसी प्रकार से हम बता सकते हैं। और अब ये नियम जो मैंने मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप किसी भी भाव पर लगा के देख सकते हैं। जैसे कि, और हमने एक यहां पर चार्ट बना रखा है, प्रत्येक भाव का चार्ट बना रखा है, आप ये देखिए। आप सबसे पहले मैंने देखिए प्रथम से प्रथम अर्थात प्रथम, पहले से पहला तो लगन ही होगा। आगे देखिए द्वितीय से द्वितीय अर्थात तृतीय भाव, तृतीय भाव जो आ रहा है ये दूसरा भाव होगा, दूसरे से दूसरा तीसरा भाव होगा, तृतीय से तृतीय अर्थात पंचम भाव ये तीसरा हो गया, एक दो तीन, तीसरे से तीसरा पंचम अर्थात पांचवा भाव, चतुर्थ से चतुर्थ अर्थात सप्तम भाव ये चौथा हो गया, चौथे से चौथा एक दो तीन चार अर्थात सातवां सप्तम भाव। अब देखिए पंचम से पंचम अर्थात नवम भाव ये पांचवा हो गया, एक दो तीन चार पांच, पांचवें से पांचवा नौवां भाव, षष्ठम से षष्ठम अर्थात एकादश भाव ये छठा हो गया, छठे से छठा एक दो तीन चार पांच छह, छठे से छठा अर्थात ग्यारहवां भाव, सप्तम से सप्तम अर्थात प्रथम भाव ये सप्तम हो गया, सप्तम से सप्तम एक दो तीन चार पांच छह सात अर्थात लगन प्रथम भाव हो गया, अष्टम से अष्टम अर्थात तृतीय भाव, अष्टम से अष्टम ये आठवां हो गया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ अर्थात तीसरा भाव तृतीय भाव, नवम से नवम अर्थात पंचम भाव, नवम से नवम ये नौवां भाव हो गया, नवम से नवम एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ अर्थात पांचवा भाव,
दसम से दसम अर्थात सप्तम भाव, ये दसवां स्थान हो गया। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस अर्थात सातवां भाव। एकादश से एकादश अर्थात नवम भाव, यह ग्यारहवां हो गया। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, यह हो गया नौवां भाव। अब हमारा देखिए द्वादश से द्वादश अर्थात एकादश भाव, यह बारहवां भाव हो गया। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, यह हो गया ग्यारहवां भाव। देखिए गिनती उसी भाव से शुरू होनी है जिस भाव के बारे में हम बात कर रहे हैं, गिनती वहां से शुरू होगी, उससे आगे फिर हम काउंट करते हुए चले जाएंगे। देखिए अब हमने आपको बताया था भावात भावम सिद्धांत, सिद्धांत बहुत सरल है, इसको समझने का प्रयास करें, बहुत ही आसान है। पहले मुख्य भाव को देखें, फिर उससे उतनी संख्या वाला आगे भाव देखें, फिर उसका विश्लेषण करें, फिर दोनों को मिला के आप सुंदर फलित कर सकते हैं। दोनों का विश्लेषण करें और फिर उसके बाद उसको आप फलित में मतलब बता सकते हैं कि इससे किस प्रकार का फलित होगा। और प्रत्येक भाव के बारे में आप इस सिद्धांत को लगाइए और इसके द्वारा लगाने से आप एक सुंदर फलित कर सकते हैं, क्योंकि भावात भावम सिद्धांत जो है ज्योतिष का महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।